मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 4.6 ऑफ क्लास 12th. इन दिस एक्सरसाइज वी हैव फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. देखो इसमें ऐसे कुछ इक्वेशन गिवन मिलेंगे आपको, x प्लस टू वाई इज इक्वल टू फोर एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. तो आप इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इसके लिए कंडीशन है कि जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं एग्जिस्ट करेंगे. तो पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा जो गिवन मैट्रिक्स है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो हमने देखो टेंथ में भी ये चीज़ पढ़ी थी, कंसिस्टेंट मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इनकंसिस्टेंट मीन्स उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो आपको दो चीज़ें पहले फाइंड आउट करनी है, जो भी आपको गिवन है मैट्रिक्स वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट के लिए आपका सिंपल सा मेथड है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है और उसका डिटर्मिनेंट्स नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो कंसिस्टेंट होगी. आप डायरेक्टली लिख सकते हो द गिवन मैट्रिक्स इज कंसिस्टेंट. बट अगर इनकंसिस्टेंट है, अब जो सबसे पहली चीज़ आएगी आपका जो डिटर्मिनेंट्स आएगा वो इक्वल टू जीरो आएगा, बट आप इसके बेस पे ये नहीं कह सकते कि इनकंसिस्टेंट है. देन हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए एंड जो बी मैट्रिक्स है, इसमें एक बी मैट्रिक्स भी बनेगी, बी है, उनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो. तो ये दो चीज़ें फाइंड करनी है इनकंसिस्टेंट में, एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी. अब आपका देखो ए एंड बी कैसे बनेंगे, जैसे ये इक्वेशन है, ये आपका फर्स्ट जो एक्स का कोफिशियंट है तो ए मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसे बनेगी 1 4 2 5, और जो बी बनेगी वो क्या बनेगी आपकी 4 एंड 9. तो आप गिवन इक्वेशन से ऐसे मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स में अगर ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो कंसिस्टेंट है, डायरेक्टली आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो. बट अगर इनकंसिस्टेंट है, इट मीन्स उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए तो आएगा आपका डिटरमिनेंट्स ऑफ ए जीरो आएगा, बट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, क्योंकि हमारे वो यूनिक सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन का प्रोसेस होता है तो मैनी सॉल्यूशन में चला जाएगा. तो सो इन दिस एक्सरसाइज वी विल डू दिस. सो कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.6. वट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है. आपसे पहले पूछा गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन एज ए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 1-2, क्वेश्चन नंबर 1-6. तो आपको कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताना है. तो x प्लस पहला दिया हुआ आपको x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. तो अब आप पहले सबसे पहले ए मैट्रिक्स बनाओ. इसकी जो ए बना है वो क्या बना आपका 1 2 2 3, और जो बी है वो क्या है आपका 2 3. अब आप ए डिटर्मिनेंट्स निकालो. जो ए डिटर्मिनेंट्स है वो क्या निकलता है, देखो इनकी मल्टीप्लाई 3 - 4 तो -1 आ गया, और ए डिटर्मिनेंट्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो कौन सी इक्वेशन है ये, कंसिस्टेंट. अभी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं कहा है, इसने सिर्फ पूछा है कि गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो आपको सिर्फ क्वेश्चन 1 में कंसिस्टेंट बताना था. तो दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट दैट 2x - y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. अगेन मेक ए जो है आपका ये 2 - 1 1 1, और b आपका है 5 and 4. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होगा 2 - -1, तो a नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि 3 आने वाला है, तो कंसिस्टेंट. अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो इनकंसिस्टेंट है, वो है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है x प्लस 3y एंड दिस इज 2x + 6y, दिस वन 5 और ये आपका 8 है. तो ए जो मैट्रिक्स है वो है आपकी 1 2 3 6 एंड जो बी है वो है आपका 5 एंड 8. अब इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करो. डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आया आपका 6 - 6 इक्वल टू 0. इन केस देखो अब आपका जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या आ गया, 0. अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है. एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको क्या चाहिए, पहले कोफैक्टर चाहिए. तो कोफैक्टर निकाल लो. a11 निकालोगे 6 आएगा, a11 6,
A12 निकालो, A12 निकालना, कहाँ है A12, दिस वन, तो आंसर आएगा आपका 2। A21 निकालोगे, A21, 3, A22। अब तो आपको हैबिट हो गई होगी एडजॉइंट कोफैक्टर निकालना, वेरी इजी, आप देख के भी फाइंड कर सकते हो। अब पुट द साइन, अगर सम इवन है तो प्लस, अगर ओड है तो माइनस, दिस इज ओड माइनस एंड दिस वन इज वन। अब आपका एडजॉइंट ऑफ ए होगा, क्या होगा, इनका कोफैक्टर 6 - 2 - 3 1, और इसका क्या लेना है आपको, सॉरी ट्रांसपोज, कोफैक्टर बोल रहे हैं, दिस इज ट्रांसपोज। नाउ रो बिकम ए कॉलम, तो 6 - 2 - 3 एंड 1। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लिया। आपके पास बी है, बी क्या गिवन है, 5 and 8। अब इन दोनों की क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी, देन मल्टीप्लाई इट। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, एंड -3 को 8 के साथ करोगे तो 8 3 ज़ 24, -2 को 5 के साथ करेंगे -10, एंड 1 को 8 के साथ करोगे 8। ये जो वैल्यू आई है आपकी, ये 30 में से 24 गए 6 एंड -2, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट। तो वेरी इजी क्वेश्चन, यू विल ट्राई 1 to 6। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 देयर इज गिवन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपके पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप का आएगा, आपको एक क्वेश्चन तो आता ही है, मैट्रिक्स मेथड से आपको इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन इट मींस आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मेथड। तो इस मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है, ए फाइंड करो। जो ए है आपका वो क्या है, 5 2 7 3, एंड जो बी है वो क्या है आपका, 4 5। फिर आप क्या फाइंड करोगे, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करेंगे। जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए है आपका, ओके, इसमें एक चीज़ और लेनी है आपको, एक्स, एक्स कैपिटल में लेना है। इसमें जो आएगा आपके वेरिएबल आएंगे, अगर वेरिएबल एक्स वाई है तो आप यहाँ पे एक्स वाई वाई लिखोगे, अगर ये 3 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे एक्स वाई जेड भी होता। तो ये 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप ए फाइंड करो, फिर बी फाइंड करो, फिर एक्स फाइंड करो। एक्स कैपिटल होगा, ये वेरिएबल की बनेंगे। अब आप इसका क्या फाइंड करोगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करोगे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या कहता है, 15 - 14, 1 है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट है। इट मीन्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, उसके लिए अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, देखो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी। आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी है, ए एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, बी के इक्वल आएगा। अब आप इसमें सबसे पहले क्या फाइंड कर लो, एक्स के, एक्स फाइंड करने के लिए, एक्स मतलब एक्स वाई, ए क्या है आपका, यहाँ पे है, इधर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा और बी। तो अब आपको ए का इनवर्स फाइंड करना है, ए के इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और आपके एक्स की जगह आपको एक्स वाई पुट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ए क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट वी विल फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें ए के क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स राइट करो, 5 2 7 3, एंड देन फाइंड द कोफैक्टर। आप इसके कोफैक्टर फाइंड करो, A11 फाइंड करोगे 3 आएगा, A12 फाइंड करोगे, देखो A12 ये है 7 आएगा, A21 फाइंड करेंगे तो 2 आएगा, एंड A22 फाइंड करेंगे तो 5 आएगा। पुट द साइन, यहाँ आपका इवन है, ये ओड है, ये ओड है, और ये इवन है। अब मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, ट्रांसपोज। ये 3 है, -7
इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब अगर इसका ट्रांसपोज लिया तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा आपका थ्री, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, माइनस सेवन माइनस टू एंड फाइव। नाउ हाउ टू फाइंड इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना होता है एड वन ऑफ डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू में आपका क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपका वन है, ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हो वन अपॉन वन, और एडजॉइंट ऑफ ए आया आपका थ्री माइनस टू माइनस सेवन एंड फाइव। तो आपका ए इनवर्स आ गया एंड देन पुट द वैल्यू हियर। ए इनवर्स की वैल्यू आई थी आपकी थ्री माइनस टू माइनस सेवन एंड फाइव, बी गिवन आपको फोर एंड फाइव, देन मल्टीप्लाई इट, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, थ्री फोर जर ट्वेल्व एंड माइनस टेन, माइनस सेवन फोर जर ट्वेंटी एट एंड प्लस ट्वेंटी फाइव। एक्स को हमने बोला था कि दो वेरिएबल है तो इसको राइट करेंगे हम एक्स और वाई। ये जो वैल्यू है ट्वेल्व में से टेन गया टू और माइनस ट्वेंटी एट में से ट्वेंटी फाइव गया तो माइनस थ्री। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो टू है और वाई कंपेरिजन किया देखो इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल, तो एक्स टू आया एंड वाई क्या है आपका माइनस थ्री। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी ईजी, यू कैन ईजिली फाइंड एक्स एंड वाई विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मैथड। क्वेश्चन गिवन दैट थ्री वेरिएबल है इसलिए मैं थ्री वेरिएबल का करवा रही हूँ, तो यू विल डू ईजिली दिस एक्सरसाइज। इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट देखो वन माइनस वन टू थ्री फोर माइनस फाइव टू माइनस वन एंड थ्री। वॉट इज बी, बी इज हेयर सेवन माइनस फाइव एंड ट्वेल्व। एंड वट इज एक्स, एक्स की थ्री वेरिएबल हैं तो एक्स वाई एंड जेड। नाउ फर्स्ट फाइंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड करो, ए का डिटरमिनेंट्स फाइंड करेंगे तो ये आएगा आपका वन, फोर थ्री जर ट्वेल्व प्लस फोर थ्री जर ट्वेल्व, माइनस आना था लेकिन प्लस हो जाएगा, माइनस होगा माइनस क्योंकि माइनस माइनस प्लस अगेन वी विल पुट माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस ये गया थ्री थ्री जर नाइन और ये हुआ आपका माइनस टेन हुआ, हम प्लस टेन राइट करेंगे, देन टू आप टू राइट करोगे तो माइनस थ्री, माइनस थ्री एंड माइनस एट। तो जो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आया है आपका देखो ट्वेल्व, ट्वेल्व में से फाइव गया सेवन सेवन एंड प्लस नाइनटीन और माइनस इलेवन, इलेवन टू जा ट्वेंटी टू। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए यहाँ पे आएगा आपका सेवन में से थ्री, यहाँ थ्री बचता है सेवन में से थ्री गया फोर, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आपका फोर आता है। नाउ वी हैव फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए, क्योंकि हमें इनवर्स चाहिए, इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालते हैं तो पहले आप को फैक्टर निकालो, ए वन वन निकालेंगे तो यही आएगा आपका ए वन वन ट्वेल्व माइनस फाइव, ट्वेल्व माइनस फाइव आपका सेवन आएगा। नेक्स्ट आपका ए वन टू, ए वन टू जो आएगा आपका ए वन टू दिस नाइन प्लस टेन नाइनटीन आएगा। ए वन थ्री, ए वन थ्री अगर हम फाइंड करेंगे तो माइनस थ्री, माइनस थ्री और आप इसके साथ करोगे तो माइनस एट या आपका माइनस इलेवन आएगा। देन फाइंड ए टू वन, ए टू वन फाइंड किया तो माइनस थ्री प्लस टू आया, ए टू टू फाइंड करो थ्री और माइनस फोर, ये माइनस वन और ये भी माइनस वन। देखो दिस इज ए टू वन फाइंड कर रहे हो, ए टू वन में ये गया ये माइनस थ्री और ये है आपका प्लस टू, ए टू टू फाइंड किया थ्री और माइनस फोर, अब ए टू थ्री फाइंड करोगे तो माइनस वन, माइनस वन प्लस टू तो ये भी वन। देन फाइंड ए थ्री वन, ए थ्री वन फाइंड किया तो माइनस फाइव, माइनस फाइव और माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस फाइव और माइनस एट, फोर टू जा एट। ए थ्री टू फाइंड करो, ए थ्री टू फाइंड किया तो माइनस फाइव एंड प्लस माइनस सिक्स, ए थ्री थ्री, ए थ्री थ्री फाइंड किया तो फोर प्लस थ्री,
देखो फोर माइनस थ्री आना है, लेकिन साइन नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आया आपका माइनस थ्री, ये माइनस इलेवन और ये सेवन। अब आप चेक करो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए होता है ए वन वन। देखो पहले पुट द साइन, ये इवन है सेवनटीन रहेगा, ओड है माइनस नाइनटीन हो गया, इवन है माइनस इलेवन रहेगा, इवन है माइनस थ्री रहेगा, थ्री टू फाइव है प्लस इलेवन हो गया, थ्री थ्री सिक्स इवन है एज इट इज, टू वन ओड है प्लस हो जाएगा, टू टू इवन है माइनस रहेगा, टू थ्री ई माइनस हो जाएगा। नाउ फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस ए वन वन, ए वन वन है आपका सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन, ए टू वन वन माइनस वन माइनस वन, एंड दिस इज माइनस थ्री इलेवन एंड सेवन। आपको इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो ये आएगा सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन वन प्लस वन माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री इलेवन एंड सेवन। देन फाइंड ए इनवर्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ ए गिवन है आपका फोर, आपने फाइंड किया। एडजॉइंट ऑफ ए है आपका सेवन माइनस नाइनटीन माइनस इलेवन वन माइनस वन माइनस वन एंड माइनस थ्री इलेवन एंड सेवन। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, आपको क्या गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, और आपको एक्स फाइंड करना है, वो होगा आपका ए इनवर्स बी। एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू है आपकी वन अपॉन फोर, तो आप इसको राइट कर सकते हो सेवन फोर, या बाद में मल्टीप्लाई कर देना, सेवन वन माइनस थ्री माइनस नाइनटीन माइनस वन इलेवन माइनस इलेवन माइनस वन एंड सेवन। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी गिवन, जो बी की वैल्यू है वो आपकी सेवन है माइनस फाइव है एंड ट्वेल्व है। तो फर्स्ट बी मिलता है देन डिवाइड, अगर आप डिवाइड करोगे तो मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम आएंगे। तो एक्स वाई जेड वन अपॉन फोर, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, ये आएगा फोर्टी नाइन, सेवन सेवन जब फोर्टी नाइन माइनस फाइव एंड माइनस थर्टी सिक्स। नेक्स्ट आएगा आपका नाइनटीन सेवन जा, जो नाइनटीन सेवन जा होता है वो वन थर्टी थ्री होता है, तो माइनस वन थर्टी थ्री प्लस फाइव एंड आपका वन थर्टी टू। नेक्स्ट है आपका माइनस सेवेंटी सेवन, आप इसको इसके साथ माइनस नाउ प्लस फाइव एंड प्लस ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो वैल्यू आई है ये एट आएगी, ये फोर है, इनका सम इनका फोर है एंड दिस इज ट्वेल्व। अब आप डिवाइड कर लो, इजीली डिवाइड हो जाएगा, एट बाई फोर आपकी जो वैल्यू है वो क्या है, टू है वन है एंड थ्री है। कंपेयर दिस वन, दिस मैट्रिक्स को कंपेयर करो, कंपेयर करोगे तो जो एक्स की वैल्यू है वो टू है, वाई की वैल्यू वन है और जेड की वैल्यू थ्री है। नाउ दिस इज़ योर एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, यू कैन इजीली फाइंड विद द हेल्प ऑफ गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव ए गुड डे।